कि जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो थ्योरम है वो लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम कहते हैं हमारे पास दो इवेंट्स, इसके अंदर दो इवेंट्स की बात हो रही है, देखें एक ए की और एक कम्प्लीमेंट की। हम कहते हैं ए और ए की कम्प्लीमेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ कॉमन ना हो। या देखें ए जो है वो एक अलहदा सेट हो गया, एक कम्प्लीमेंट के अंदर से ए पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, ठीक है। हम कहते हैं एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब ये दोनों मिल जाए तो सैम्पल स्पेस बना दें, तो हम कहते हैं दे टुगेदर मेक सैम्पल स्पेस। अब हमने कहा ए यूनियन और ए का जो कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास एस होता है, यानी कि सैम्पल स्पेस। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, और यूनियन जब यहाँ पर है तो जब भी मल्टीप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी दोनों के साथ ए और ए इंटरसेक्शन के साथ, तो क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन, ठीक है, इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो होती है हमारे पास 1 की इक्वल होती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इसको 1 माइनस पी ए आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थ्योरम लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन जो यहीं पर प्रूफ हो जाता है।